हेलो एवरीवन, होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज मैं लेके आया हूँ सबसे खास चीज़, सबसे अच्छी बाइक हिमालयन, क्योंकि उस मॉडिफिकेशन खुद ही आरके मोटर्स मतलब राहुल भैया ने किया है। तो आपको मैं बाइक दिखाता हूँ, उस बाइक पर मैं बैठा हूँ, ये है वो बाइक। इसके बारे में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ अभी राहुल भैया से पता करता हूँ। ये है राहुल भैया हमारे, जो है इस बाइक के ओनर। तो ये बता सकते हैं आप क्या क्या इन्होंने किया अपडेट इस बाइक के अंदर, क्या मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है? क्योंकि शुरू करते हैं तो भैया बताइए क्या क्या अपडेट किया आपने। मैंने इसमें पहले तो फॉग लैंप्स लगाए हैं, वाइट एंड येलो, जरूरत अनुसार जितना यूज करना है उस हिसाब से। फिर उसके बाद मैंने लगाई हुई है, फिर उसके बाद मैंने हैंडल गार्ड लगाए हुए हैं, फिर ऑयल कोट रेडिएटर जाली लगाई हुई है। अच्छा, जाली। भैया वैसे ये लाइट जो आपने लगाई है इसकी कीमत क्या होगी? इसकी अराउंड 4000 के आसपास की इसकी कीमत। और येलो वाली की? येलो वाली लगभग 7000 रुपए की लाइट है। ओके, उसके बाद क्या लगाया आपने? मैंने रेडिएटर जाली लगाई हुई है। रेडिएटर जाली कितने की है? लगभग 1700 रुपए की ये जाली है। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैंने इसको ये कितने का? 5000 रुपए के आसपास का है। ठीक ठीक। फिर मैंने इसमें सडेस्ट है जो इसकी कीमत लगभग अराउंड 4000 के आसपास है, मतलब 4000 इसकी भी है। चलो इस साइड से देखते हैं। उसके बाद मैंने ये पंप सपोर्टर लगाया हुआ है, पंप सपोर्टर, जिसकी कीमत लगभग अराउंड 1200 रुपए के आसपास, 1200 का ही है। ओके, इसमें हमने आफ्टर मार्केट हॉर्न्स लगाए हुए हैं। अच्छा, हॉर्न्स कुछ इस तरह दिखते हैं जो कि लगभग 500 रुपए के आसपास, 500 के। ओके, फिर इसमें मैंने राइजर लगाया हुआ है, हैंडल राइजर। हैंडल राइजर क्या होता है? ये हैंडल अप करने के लिए। अच्छा, वो अप डाउन। अच्छा अच्छा, हाँ, हैंडल राइजर लगाया हुआ है। ओके, लगभग 2500 रुपए के हैं। 2500 के। ओके, उसके बाद मैंने इसमें विष्णु की वायरिंग डाली हुई है पूरी। अच्छा अच्छा, और ये आपका क्या कहते हैं फोन लगा होल्डर भी मैंने लगाया हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट राइड के लिए पूरी कंप्लीट मेरी बाइक है और मैं इसी से राइड करने वाला हूँ। अच्छा, तो भैया ये कितने का कॉस्ट है इसका? कॉस्ट लगभग 2500 रुपए। 2500 क्या है ये? हैंड गार्ड। ओके, मतलब इतना खर्चा आपने कर दिया एक राइड के लिए। एक राइड के लिए अभी तक आपने राइड तो की नहीं पहली। फर्स्ट राइड बहुत जल्दी आने वाली है और आपको इस चैनल पर दिखेगी भी, क्योंकि भैया ही की बाइक है, भैया ही बाइक सर्विस करते हैं यहाँ पे तो आरके मोटर्स में, तो इतना ज्यादा मॉडिफाई कर रखा है इन्होंने। लगभग कितना टोटल खर्चा हो गया होगा इस बाइक पे? अराउंड 40। अभी लग ही रहा है, अभी धीरे धीरे चीजें आ ही नहीं है इस बाइक के लिए, तो हो ही रहा है। तो भैया इसकी आवाज सुना दो एक बार, मीटर दिखा दो आगे से। ये चाबी लगी, अब साउंड सुनिएगा भैया। अच्छा, मीटर के बारे में कुछ बताओ, ये क्या क्या दे रखे मीटर में? एक सेकंड मुझे हैंडल से जाके, ये इसका स्पीड मीटर है, ये आरपीएम मीटर है, ये फ्यूल मीटर है, ये इसका कंपास है, और ये बगल में जो छोटा सा दिया है ये इसका क्या कहते हैं वो है नेविगेशन मीटर, मतलब मैप दिखाता है। हाँ, मैप दिखाता है। अच्छा, लाइट जलाइए भैया, जरा देखते हैं। येलो लाइट तो अभी लगी हुई है, व्हाइट लाइट का कनेक्शन नहीं है, व्हाइट लाइट का कनेक्शन नहीं, येलो लाइट का ऐसे है कुछ। हॉर्न भैया, हॉर्न सुनाइए जो लगा हुआ है। बहुत तेज है, बहुत लाउड है। और भैया आवाज एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट दिखा देता हूँ एक सेकंड मुझे ध्यान में। अच्छा, पुरानी हिमालयन और नई हिमालयन क्या अंतर है? बंद करिए उसको। ये BS6 है, वो BS4 है, काफी डिफरेंस है। अच्छा, मेजर डिफरेंस क्या होगा, आप क्या कहना चाहोगे? मेजर डिफरेंस आपको जो पता हो। मेजर डिफरेंस में ऐसा कोई कुछ है नहीं, बाकी इन्होंने ट्रिप मीटर दे दिया है नेविगेशन अलग से, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था इसमें। हाँ। बाकी कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, छोटे मोटे हैं, बाकी बाइक वो पहले थी। अच्छा अच्छा, चलिए इस बाइक के बारे में सारी डिटेल तो मैंने बता दी है, तो अब ये कैसी चलती है, क्या है इसका चलने में, तो चलो आप चला के देखते हैं बाइक को। भैया नीचे उतार रहा है तो उसको चला के राइड करेंगे, राइड करके बताएंगे कैसी है बाइक चलने में। Thank you.
हिमालयन की राइड की है। मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि वो एक लोहा गाड़ी है, बहुत मजबूत है, और उसके जो गड्ढे वड्ढे आते हैं कुछ पता तो चलता नहीं। आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो पक्का ले लें, राइड के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है और चलने में बहुत स्मूथ है और बहुत अच्छी चलती बाइक मस्त है। आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।